हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के उपटन के बारे में, कि बेबी के लिए कैसा उपटन बनाएं। जो वह उपटन अपने बेबी के लिए यूज़ करती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है बेबी की स्किन के लिए। अगर आपकी बेबी की स्किन पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मैं कैसे इन हेयर ग्रोथ को रोकूं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की जो स्किन है काफ़ी डल हो गई है, तो आप परेशान मत होइए। आपको जो मैं इसमें उपटन बता रही हूँ, उपटन या लोई करना बेबी के स्किन पर, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप इसको करते हैं तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे जो बाल की जड़ है वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के बाद वो वहाँ से बाल धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये लोई सेकेंड मंथ से कर सकते हैं। जब आपका बच्चा, देखिए पहले मंथ में तो हम अपनी बेबी को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रैश हो सकता है कि बाल टूटने की वजह से उसको इचिंग हो जाए, रैशेज हो जाए। तो लेकिन आप है ना सेकेंड मंथ, जब आपका बेबी सेकेंड मंथ का हो जाता है तब से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पर्सनली मैंने अपनी बेबी के ऊपर यूज़ किया हुआ है, और आज के इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेबी के ऊपर कैसे यूज़ करती हूँ, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है, और क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करती हूँ वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए आपको लेना क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैंने लिया है इसमें बेसन और आटा, गेहूं का आटा, हल्दी और रॉ मिल्क। यहाँ पर आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा मिल्क लेना है। कच्चा मिल्क बहुत अच्छा रहता है स्किन ग्लोइंग के लिए, स्किन फेयर के लिए। तो यहाँ पर मैं मिक्स करने जा रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। बेसन और गेहूं का आटा मैंने ले लिया है, इसमें चुटकी भर आप हल्दी मिला लीजिए। हल्दी बहुत अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। अगर आपकी बेबी की स्किन पर किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी है, या किसी भी प्रकार का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैसी भी कोई चीज़ है, तो उसके लिए ये हल्दी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप हल्दी ले लीजिए, और रॉ मिल्क जो मैंने लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी टॉनिक का काम करता है, तो आप उसको मिला लीजिए, और मिलाकर इसको इस तरीके से आप गूंथिए। आप स्पून की हेल्प से, या फिर खुद फिंगर या फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से मैस कर लीजिए, मिला लीजिए, और मिलाने के बाद ये एक अच्छी सी लोई बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा आटा डालकर अच्छे से गूंथ लें, तो एक रोटी की लोई के बराबर ये बन जाएगा। आप हाथ की हेल्प से इसको कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है बच्चे के बाल निकालने के लिए। आप में से बहुत सारे मॉमीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि मैम प्लीज़ कोई वीडियो बताइए या कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरे बच्चे के बॉडी के बाल निकल जाएँ, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है। तो आप इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ फिगारो ऑयल दिखाया हुआ है, मैं फिगारो ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ अपने बेबी के मसाज में। और ये हाथों से चिपके नहीं, क्योंकि मैंने इसमें बेसन मिलाया हुआ, तो थोड़ी सी स्टिकनेस रहेगी। तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं यहाँ पर, ये कोई मैं आपको फोर्सली नहीं कहूँगी कि आप फिगारो ऑयल ही लीजिए, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखी ये कितनी प्यारी लोई बनाई है, आप इसी तरीके से एक प्यारी सी लोई बना लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने बताया गूंथने के बाद, फिर आप इसको अपनी बेबी के ऊपर करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बेबी की मसाज कर रखी है, ऑयल से मैंने मसाज कर लीजिए, करने के बाद ही ये करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपनी बेबी के अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए, मसाज के बाद ही ये लोई की जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर मसाज कर रखी है अपनी बेबी के ऑलरेडी। अब मैं देखिए मैंने लोई के दो पोर्शन करके, एक फेस के लिए यानी बच्चे की नाक, और जो फेस के लिए मैंने अलग बना के रखा हुआ है, और बाकी की जो लोअर बॉडी है बेबी की, पैर है, लेग्स हैं, बेबी की टमी है, तो उसके लिए मैंने अलग बना के रखी हुई। तो पहले आप पैरों से स्टार्ट कर दीजिए या आप फेस से स्टार्ट कर दीजिए, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ऐसी कुछ मैं यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट मैंने नहीं कहा कि आप पहले पैरों से स्टार्ट करिए, लेकिन मैं पैरों से ही स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से आप पैरों से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, और बीच बीच में तेल थोड़ा सा लेती रहिए। अगर आप तेल नहीं लेंगे तो ये लोई बहुत बैडली आपके हाथों से चिपक जाएगी, और ये ठीक से बच्चे के पैर पर और पैरों पर बॉडी पर नहीं घुमाई जा सकती।
तो आप ऐसे ऑयल ले लीजिए और ऑयल लेके आप अच्छे से बेबी के पैरों पर सीधा करके उल्टा करके आप घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरीके से आप करिए। उल्टी साइड में आप घुमाइए, उल्टी साइड में घुमाने से जो बच्चे के हेयर होते हैं वो टूटने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो टूट जाते हैं। एकदम नहीं टूटेंगे, आप ये चाहो कि वो एकदम टूट जाएंगे तो एकदम नहीं टूटेंगे, वो धीरे धीरे उनकी जो जड़ें कमजोर होकर वो अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाती हैं। तो देखिए मेरी बेटी की जो पीठ पर नीचे हिप एरिया में बहुत सारे बाल हैं, तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से लोई को घुमाती हूँ इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं मैं जहाँ घुमा रही हूँ उस एरिया में बहुत सारे बाल हैं, तो मैं ऐसे ही अच्छे तरीके से मैं घुमाती रहती हूँ जिससे उसके बाल काफ़ी कम हो गए, हल्के हो गए, और जब मैं इसे रेगुलर करूँगी तो ऑलमोस्ट ये निकल ही जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं। बीच बीच में आप तेल लेते रहिए, ऑयल से वो चिपकेगा नहीं और बड़े आराम से ये बच्चे की लोई शरीर में हो जाएगी। आर्म पिट्स में अच्छे से क्लीनिंग करिए, आर्म पिट में आप करेंगे तो उसमें जो गंदगी जमा रहती है वो भी वहाँ से निकल जाएगी। नेक एरिया आर्म पिट है तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो जाता है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको बीच बीच में ऑयल लेना होता है अच्छे तरीके से इसको आप कर लें। मेरी बेटी बहुत इंजॉय करती है, मैं बड़े आराम से इसको करती हूँ, वो बहुत आराम से इसको करवा लेती है। तो आप ऐसे ही अपने बच्चे के से कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको ऊपर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में रगड़ें तो बाल कमजोर होकर आसानी से निकल जाती हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपने बच्चे के। ये शायद मैंने दूसरी यहाँ पर लोई ले ली है, दूसरी लोई जो मैंने तोड़ के रखी हुई थी स्टार्टिंग में वो मैंने ले ली है फेस के लिए। आप फेस पर भी देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, बड़े आराम से ये हाथ पर चिपक जाती है। जो इसमें बेसन मिला हुआ है उससे ये इतने अच्छे तरह से बन जाता है और बेसन से ही बहुत अच्छी तरीके से बाल निकल जाते हैं और बच्चे का कलर फेयर होता है। अगर बच्चे का कलर डार्क है तो आप धीरे धीरे इस लोई को करके अपने बच्चे का कलर भी फेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बड़े आराम से बच्चे इससे करवा लेते, कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है इसको करवाने में। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बहुत इरिटेट हो जाती है मेरे रेगुलर इसी तरह से करने से, बट हाँ उसके बाल काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। अगर आपके बच्चे को भी ऐसे ही हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी सारी गंदगी निकल जाती है और जो भी बाल हैं वो भी बच्चे के निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैंने कपड़े से बच्चे का फेस साफ कर रही हूँ, बट आप देख सकते हैं ये कपड़ा नहीं है, ये लोई है। इसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चे की हर तरीके से, स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसी तरीके से आप इसको नेक में फिरा दें, जो भी गंदगी होगी नेक में चिपकी हुई वो भी यहाँ से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने बेबी की लोई की है, तो ऐसे ही आटे की लोई आप बनाकर अपने बच्चे के पूरे बॉडी पर कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये रेगुलर कर सकते हैं, आप चाहें तो ये आप अल्टरनेट डे में भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है अगर आप अपने बेबी की इसको करते हैं तो, धीरे धीरे बाल कमज़ोर होकर निकल जाएंगे और इससे आपके बेबी का कलर भी एकदम साफ होगा। आप चाहें तो इसे गीला करके, जैसे मैंने तो आटे की लोई की तरह से बना लिया, आप चाहें तो बिल्कुल आप इसको गीला करके बेबी के पूरे शरीर पर उपटन की तरह लगा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसको मैल की तरह रगड़ के निकाल सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है बेबी के लिए, इसलिए मैं ये मेथड अपनाती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है और मैंने बहुत ही गजब का इम्प्रूव पाया है अपनी बेबी की स्किन में। मेरी बेबी की स्किन काफ़ी ग्लो करती है, अच्छी है बेबी की स्किन, और जो हेयर प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे करके कम हो रही है, एकदम नहीं निकलती है बट धीरे धीरे करके जो पहले ग्रोथ थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो डियर पेरेंट्स, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।